देखिए आप लोगों का हमारे चैनल बाईपास सक्सेस क्लासेस पे स्वागत है और मैं अभी यहाँ यूपी विद्या ज्ञान स्कूल में जो बुलंदशहर में है सिकंदराबाद में वहाँ पे बच्चे जो एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं और ये बच्चे इनका फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था, फर्स्ट शिफ्ट के बच्चे एग्ज़ाम दे के आए हैं तो इनसे कुछ बातचीत करते हैं। तो बताइए बच्चों आप लोगों का कैसा एग्ज़ाम रहा, पेपर किस तरह का आया था? इजी आया था पेपर। अच्छा बताइए आप पेपर से संबंधित कुछ भी जो भी आपको जैसा भी लगा हो, पहला फ्री में आपके कितने नंबर आए थे, पहले एग्जाम में क्या था स्कोर? मेरे 46 आए थे। 36। ये देखिए दोनों बिटिया लोग हैं और बच्चे बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हैं क्योंकि ये स्कूल बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे गार्जियन लोगों को भी पूरा सम्मान दिया जा रहा है। सामने पीछे साइड में विद्या ज्ञान स्कूल की तरफ से खाना मिल रहा है बच्चों को। तो ये बच्चे एग्ज़ाम दे के आए हैं, बाकी बच्चे बहुत अच्छा बता रहे हैं पेपर का रिस्पांस कि अच्छा हुआ है। ऐसी हम कामना करते हैं कि आपको इस स्कूल में आने को 100% मिले। आप लगे रहिए और अपने माता पिता के साथ, ये आपके पिताजी हैं क्या? अच्छा आपने बच्चे को कहाँ तैयारी कराई थी? मैंने बच्चे को तैयारी मेरी जो भांजी है वहाँ कराई। अच्छा अच्छा तैयारी है टीचर है। अच्छा 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 ये देखिए दीदी है, इन्होंने बच्चों को तैयारी कराई है और ये इनके साथ में भी आई हैं। तो टीचर बच्चों के लिए सड़क का कार्य करता है, अपना तो वही रहता है लेकिन बच्चों को उनकी मंजिल तक जरूर पहुंचाता है। टीचर समुद्र की तरह होता है, समुद्र की गहराई में डूबने से लोग मर जाते हैं लेकिन टीचर की गहराई में डूबने से लोग तर जाते हैं। हैं गुरु बहुत महान होता है। तो आपकी बिटिया लोगों ने पहला एग्ज़ाम क्रैक किया है, आपको खुशी हो रही होगी? हो अच्छा अच्छा पेपर ईजी बता दो तो लगता है कि हाँ बच्चा जितना उस साथ उससे भी ज़्यादा अच्छा ही करके आया है। पढ़ाई के लेवल को देख तो बच्चा मेहनत भी काफ़ी करता था, हमारा ऐसी बात नहीं है। जिस लेवल की हम पढ़ाई करा देते तो लगता था कि अच्छा ही करेगा और उसके अकॉर्डिंग बता भी रहे कि क्या पेपर में चेंजिंग भी रहा है पहले के अकॉर्डिंग अब के अकॉर्डिंग। पेपर से संबंधित आप लोग कुछ बता सकते हो कि क्या क्या क्वेश्चन, मतलब किस सब्जेक्ट से संबंधित कितने क्वेश्चन थे? इंग्लिश के पैराग्राफ आए थे और हिंदी के पैराग्राफ आए थे, की अच्छा अच्छा मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि जो पहले पेपर का मतलब था वो सेम मतलब फॉलो हुआ है। पहले पेपर में 30 क्वेश्चन मैथ के थे, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के थे, इसके बाद में 15 क्वेश्चन हिंदी के थे, 15 इंग्लिश के थे, 10 जीके जीएस के थे, ऐसा था ना? 100 क्वेश्चन थे पेपर में और इसमें भी 100 ही क्वेश्चन थे। तो इसमें 2 घंटे का टाइम मिला होगा आप लोगों को। हाँ और आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया है ना, तो आपका पेपर 100% क्वालिफाई होगा। लगे रहिए अपने माता पिता के लिए। और कुछ अगर कुछ भी दीदी बोलना चाहती हो तो बोलिए, बच्चों को किस तरह का सजेशन देना चाहती हैं? इतना कहना चाहूँगी क्योंकि जब पिछली बार जो पेपर हुआ था तो कोविड-19 में हुआ था, तो उसमें ऐसा था कि उसमें पैराग्राफ दिए गए थे इंग्लिश के, उससे जो प्रीवियस ईयर देखा गया तो उसमें ऐसे पैराग्राफ अनसीन पैसेज नहीं थे, बट इस बार इंक्लूड किया गया तो उम्मीद है कि आने वाले में भी अनसीन पैसेज ही मिले। अब थोड़ा पेपर का लेवल चेंज हुआ है जिसमें कि बच्चे बोल रहे हैं कि थोड़ा जीके पोर्शन भी कम सा रहा, इतना नहीं जैसे अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग हमने देखा था। एवन 2 साल का छोड़ के कोविड-19 से पहले 16 का 15 का तो उसमें डेज वगैरह का पोर्शन जीके में और साथ ही क्योंकि इंग्लिश में भी और सेंटेंस वगैरह वर्ड वगैरह कंपेरेटिवली ये सब चीज़ें पूछी गई थी, बट अब की बार पेपर में ऐसा कुछ नहीं है, एंसर पैसेज देखने के लिए मिला बच्चे बोल रहे हैं इस तरीके। बाकी आपके बच्चों का पेपर बेस्ट हुआ है हमको लगता है क्योंकि आप बच्चों के साथ में आई हो और पहला पेपर आपको दीदी ने तैयारी कराई थी ना आप लोगों को। बहुत अच्छा, दीदी का सपोर्ट आपके साथ रहेगा और दीदी ने दीदी की वजह से आप लोग जो है अपने जीवन में कामयाब होंगे, ये आपके लिए छोटी सी कामयाबी है। और आगे ज़्यादा मेहनत कीजिए क्योंकि इसीलिए बोला जाता है कि बच्चा देश का भविष्य होता है, बच्चा कुछ भी कर सकता है। तो आप भविष्य में बहुत ऊँचे रैंक पे जाएंगे और जीवन में आप बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल करेंगे। तो इसी के साथ ये हमारी वीडियो जिन भाइयों को बहुत अच्छी लगे और अपने बच्चों के साथ जुड़िए क्योंकि बच्चा ही आप में वो परिवर्तन ला सकता है। आप थोड़ा कम खाइए कम पहनिए लेकिन बच्चों के साथ ज़रूर करिए क्योंकि बच्चा बहुत कुछ कर सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।